हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम्स लाइफ। तो आज आप लोगों का वेलकम हो रहा है वेद के साथ। क्यों बेटा? हेलो कर, हाय कर दो, हाय करो। हाय बेटा, थोड़ी सी तबीयत इनकी गड़बड़ है, बस फीवर फीवर, मौसम का असर है, कोई नहीं, चीजें चलती रहती है, तो बस चल रही है कोरोना पे अपडेट। देखते हैं। तो हमारा नाश्ता वास्ता तो हो गया है, बस जनाब को थोड़ा पैम्पर कर रही थी। बच्चे जब बीमार होते हैं ना तो बिल्कुल अकेले छोड़ने में ही नहीं होता, और वो अकेले रहना भी पसंद नहीं करते, तो बस देखती हूँ। हाँ क्या बेटा? बस चल रही है दोनों जने की मस्ती। देखती हूँ कोविड का सिचुएशन देखकर फिर से बहुत डर लग रहा है। क्योंकि हमने कोविड का सेकेंड फेज जो गुजरा उसमें हमने कोविड को झेला है, वेद ने भी झेला है साथ में, वो चीजें याद करके बहुत डर लगता है। तो फिर दुआ है कि बस चीजें वापस नहीं आए, बस चैनल तक ही रह जाए। क्योंकि अभी तो सारी चीजें धीरे धीरे जगह पे आने शुरू हुई और फिर से कोविड, तो जिन्होंने एक हिम्मत रखी थी चीज़ों को दोबारा से खड़ा करने की, फिर चीज़ें शुरू करने की, इसे उनके लिए तो काफ़ी दिक्कत होगी। बस सुबह का वक्त ऐसे ही चल रहा है, सारी चीज़ें तो हो गई हैं, खाना वाना हो गया है, कपड़े वपड़े मैंने रात से ही धुले थे, क्योंकि जी ये होते हैं बच्चों वाले घर। अब वेद सो जाता है तो बस नहाने की कोशिश करूँगी, अगर ये टाइम से सो जाता है तो पॉसिबल तो नहीं लग रहा है। और जब बच्चे बीमार होते हैं ना तो हर वक्त रोना 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 चीज़ें करने ही नहीं देते हैं। कल मुझे बहुत सारे कपड़े धोने थे बट मैं नहीं धोई, मुझे रात में धोने पड़े और मैंने सुबह में डाला है। अभी किचन का काम तो निपट गया नहीं, बट क्या क्या, बस खाना नाश्ता बना है, बाकी चीज़ें साफ सफाई की तो बस वैसे ही पड़ी हुई हैं। तो बैठी हुई हूँ क्योंकि अकेले तो छोड़ नहीं सकती। देखती हूँ जनाब कब फुर्सत देते हैं, बाकी काम मैं कब निपटाती हूँ। बच्चे बीमार होते हैं ना तो घर में सारे लोग लगता है ऐसे जैसे बीमार पड़ गए, रात में सही से सोना नहीं, खाना खिलाने में इतनी समस्या हो जाती है जब बीमार होता ना। एक तो आप उसे डांट नहीं सकते हो, और बहुत ज़्यादा रोता है तो उल्टी कर देता है, तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। क्रिसमस भी ऐसे ही निकल गया बच्चों के चक्कर में, देखते हैं न्यू ईयर क्या क्या होता है। एक तो कोविड ने ही दहशत फैला रखी है। क्या ही कुछ अलग से सोचना। और ऐसे भी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले जगहों में मैं पहले ऐसे भी निकलना पसंद नहीं करती थी। मैं प्रेफर करती हूँ कि या तो आप 2 जनवरी को चले जाओ या 31 दिसंबर को थोड़ा कर लो। 31 दिसंबर को भी तो वही सारी चीज़ें रहती हैं, इतनी भीड़ भाड़ होती है, तो मुझे नहीं पसंद है। और खासकर बच्चों के साथ आप इंजॉय नहीं कर पाओगे, बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। तो मैं वही प्रेफर करती हूँ कि 2 दिसंबर ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि घूमना ही है ना, चीज़ों को इंजॉय करना है, तो एक दिन में क्या ही जाता है। तो एक दिन में एक्साइटमेंट नहीं कम हो जाता, ऐसा नहीं है कि 1 जनवरी है तो उसी दिन आप चीज़ों को एंजॉय कर पाओगे। अगर ऑफ डे रहा तब तो सही है, थोड़ी बहुत चीज़ें आसपास में आप कर सकते हो। अगर वर्किंग डे रहा तो फिर चीज़ें काफ़ी टफ हो जाती है, पॉसिबल ही नहीं होता है कहीं निकलना। तो गो किधर गो गो, मौसम चेंज होने की चीजें पता चलती है जब घर में बच्चे बीमार पड़ते हैं, और उनसे ज्यादा हम बीमार पड़ जाते हैं। मुझे इतने सारे भी काम है बट मैं इसे छोड़ के नहीं जा सकती, जाओ ना तो पीछे पीछे चला जाता है। किचन में पानी का काम करो, फिर इसे देखो, मैंने छोड़ ही दिया है कि जब ये सोएगा तभी मैं सारे काम करूंगी। और इतनी ज़्यादा ठंड है, और सुबह का तो कुछ पता नहीं, धूप तो बिल्कुल भी निकल ही नहीं रहा है। जब थोड़ी बहुत सी धूप आती है और उसके बाद तुरंत ही हवा तेज, इसे धूप में भी नहीं रख सकती क्योंकि धूप से ज़्यादा इतनी तेज तेज हवा चल रही है। तो जा रही हूँ, देखती हूँ कुछ कुछ चीज़ें निपटाऊँ जनाब के साथ, अगर कोशिश करती हूँ सो ले थोड़ा देर तो मेरा भी काम हो जाए।